जब आप हर तरफ से मायूस हो जाए, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, आप पे कर्जा चढ़ रहा है, आपका कारोबार खत्म हो गया, तो आपको एक अमल दे रहा हूं और ये अमल ऐसे है कि ये सिर्फ ये आयत, ये एक आयत, ये 45 से 46 मरतबा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों पे यही आयत लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलिही व बारिक वसल्लम। तो मेरे भाइयों और मेरी दोस्तों, दुनिया और आखिरत का सबसे बेहतरीन मुकाम कौन सा है? वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुकाम है, अल्लाह के महबूब जहां मदफून है, और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि वो अपने कब्र में हयात हैं, और जब हम वहां जाकर इनको सलाम करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराए रास्त जवाब देते हैं। तो हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं, जब आप आमाल करते करते थक गए हैं, लेकिन किसी अमल से आपके कारोबार, आपकी मईशत, आपकी तंगी दूर नहीं हो रही, तो फिर ये अमल करें। इस अमल की इफादियत का अंदाजा आप इस चीज से लगाएं कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जालियां हैं, जो लोग वहां गए हैं और जो नहीं गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझ समेत उन तमाम को लेकर जाए, तो उस जालियों पे एक आयत लिखी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, कितनी मरतबा? 45 से 46 मरतबा। और ये कितनी कीमती आयत है। तो आपने कैसे करना ऐसे है कि आपने 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को इस अमल को करना है, लेकिन करना पाबंदी से है। और मैं गारंटी से कहता हूं आपको कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके फख्र व फाकी की परेशानियां खत्म कर देंगे। इस अमल की आपको इजाजत है, एक मरतबा कमेंट बॉक्स में दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल